हेलो दोस्तों, मैं ही पीयूष और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आपके जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप अपनी राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, उसको सुधार पाएंगे। आप किस प्रकार से सुधरेगी आपकी राइटिंग, क्योंकि देखिए अभी तक आप जैसे लिखते आ रहे थे उससे आपको चेंज करनी राइटिंग, तो उसमें थोड़ा सा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी। वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। पहले तो आप ये कन्फ्यूजन अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको जैसे अगर राइटिंग अच्छी करनी है तो ग्रिप उसकी जो पेन होती है उसको अच्छे से पकड़ना आना चाहिए। मतलब पकड़ने का मतलब ये नहीं था कि बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस में या फिर कहीं भी ये बताते हैं कि उनको जो पेन होती है पेन सही से पकड़े, उसको अच्छे से करें, क्या करें, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जो मैं आपको आज तरीका बताने वाला हूँ 100% इफेक्टिव तरीका है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप 5 वाली पेन से नहीं 20 वाली पेन से लिखिए। आप देखिए जिनकी राइटिंग अच्छी है उनकी 5 वाली पेन से भी राइटिंग बैठेगी। तो दोस्तों ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि महंगी पेन रहेगी 50 रुपये 100 रुपये ट्रामैक्स वगैरह ये सब पेन लेंगे तभी आपकी राइटिंग बैठेगी। ऐसा नहीं है, आपकी अगर राइटिंग हो रही मतलब अच्छे से अगर आप राइटिंग में लिख पा रहे हैं तो आप चाहे जिस पेन से लिखेंगे आपकी राइटिंग बैठनी ही बैठनी है। जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ 101% ये वर्क करेगी। दोस्तों आपको क्या देखिए इसमें ध्यान देना है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप 10 दिन तक अपनाइएगा। 10 दिन के बाद आप 11वें दिन आके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या था। दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, ना इंप्रूव हो तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, मतलब आपके जान पहचान में आपके कोई दोस्त होंगे जिनकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, उनको देखिए उनकी कॉपी में देखिए कि वो कॉपी में किस प्रकार से लिखे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं। जब भी वो कुछ लिख रहे हैं तो आप उनके पास जाकर देखिए कि वो आखिर कैसे लिखते हैं, उनके मतलब लिखने का तरीका क्या है, वो कोई भी वर्ड किस प्रकार से बनाते हैं, का कैसे बनाते हैं, खा कैसे बनाते हैं। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ABCD, इनको आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए और आप उसके बाद देखिए जैसे वो लिख रहे हैं उसी तरीके से आप भी लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए ये चीज अभी आपको सुनने में तो बहुत वैसे लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप इसको अपनाएंगे 10 दिन तक इसको अच्छे से आप देखिए, अच्छे समझिए कि आपको कैसे लिखना है, वो जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको एक एक चीज़ें अच्छे से लिखनी पड़ेंगी। अगर आप वैसे करते हैं तो आपको जल्द ही हैंड राइटिंग बैठेगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास जो दोस्त हैं उनकी भी हैंड राइटिंग नहीं सही है, तो क्या करिए यूट्यूब पर वीडियोज़ पर देख लिए जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। वैसे ही आपको उस पर जैसे का बना है उसको आपको का बनाना है, कुल मिलाकर आपको उसी शेप में लेकर आना है। कुछ दिन में देखेंगे कि आपकी उनकी तरह राइटिंग है तो उनसे और भी अच्छी राइटिंग आपकी बैठने लगेगी, क्योंकि उसी तरीके से आप लिखने की अगर कोशिश करेंगे दोस्तों तो आपके हैंडराइटिंग काफी अच्छी हो जाएगी। उनको देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस प्रकार से अगर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनके लिखने का तरीका क्या है, वो कैसे अपने वर्ड्स बनाते हैं, पूरा देखिए पूरी लाइन कैसे लिखते हैं, कहां वो लाइन खींचते हैं, कहां नहीं, ये सब चीज अगर आप ध्यान देंगे तो उनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और अच्छे से आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार पाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है और जिनको पता है उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही बेस्ट है, वो किसी को देखते कहीं पर लिखा तो सोचते हैं कि उसी हिसाब से वो कॉपी करें ताकि उनकी हैंडराइटिंग और ज्यादा बेस्ट हो जाए। तो दोस्तों ये तरीका आप 10 दिन तक अपनाइएगा, 10 दिन के बाद आप खुद ही फर्क देखेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग में कितना ज्यादा फर्क हुआ है, आपकी हैंडराइटिंग, आपकी जो राइटिंग है, जो लिखावट है काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, आप अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं। दोस्तों एक चीज आपके लिए है कि अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस मोबाइल पर स्कूल चैनल पर आपकी रेगुलर तैयारी करवाई जा रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और क्या करिए दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए आपके जितने भी फ्रेंड हैं, एंड इस पर कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे का मतलब आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए, ये सब चीज़ें ही बताइए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में।